Good morning, everyone. Today, we are going to start with the new chapter, and the name of the chapter is Change in Profit Sharing Ratio Among Existing Partners. This is the name of your chapter. Before we start this chapter, I just want to tell you, this chapter is based off that reconstitutions of firm. Before you know this, you should know what is reconstitution of the firm. Reconstitution of the firm. Firm ko dobara reconstitute karna. Right? Ab reconstitution kya hoti hai? First you need to know that. Any change in the existing agreement of the partnership firm is called reconstitution of the firm. कोई भी चेंज जो existing agreement है, you all know what is agreement, that's partnership deed. Partnership deed के agreement में कोई भी चेंज हुआ है, okay, of the partnership firm is called reconstitution of the firm. उस एग्रीमेंट में किसी भी तरह का कोई भी चेंज हुआ है और नई डीड बनी है, उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. अब रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकती है? इट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. दीज आर द केसेस व्हेन देयर कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. नंबर वन, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इसके आप ऊपर पूरा फुल फ्लेज चैप्टर करने वाले हो कि जो पार्टनर्स, सपोज ए बी सी पार्टनर्स हैं, अभी जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कुछ चेंज करके दे गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो जो भी डीड में चेंज आएगा उसको बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन. राइट? सेकेंड रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है एडमिशन. पूरा चैप्टर अगला आपका ये है. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उससे अगला डेथ ऑफ ए पार्टनर, उससे अगला अमलगामेशन ऑफ टू और मोर फर्म्स. इफ यू वॉन्ट टू सी, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो वंस अगेन. जब भी ये चेंजेस होते हैं देन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म्स हैपन्स. ओके, अमलगामेशन ऑफ टू और मोर फर्म इज नॉट इन योर सिलेबस, इट यू विल बी डूइंग इट इन द ग्रेजुएशन. सो दीज फोर चैप्टर्स आर ऑलमोस्ट सेम. The accounting treatment is almost same. If you understand the first chapter, next chapters will be very easy. So let's start with your fourth chapter, that there is a change in profit sharing ratio of existing partners. Before you want to start this, I just want to tell you the definition of this. Change in profit sharing ratio of partner means, it means partners agreed to share profit or loss different from earlier agreed profit sharing ratio. इसका मतलब ये है कि partner जो पहले profit sharing ratio share कर रहे थे उसमें कुछ change करके उन्होंने उसको different किया है. okay, जब भी partnership में कोई भी change आएगा उसको reconstitution बोलते हैं. इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ. यहाँ पे चेंज इन PSR, PSR मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू एंड और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई भी चेंज आता है ये एंड करती है. एंड का अकाउंटिंग टर्म है डिसोल्यूशन. एंड की अकाउंटिंग टर्म क्या है? डिसोल्यूशन. ये एंड करती है पार्टनरशिप का. जो पार्टनरशिप है वो एंड होती है, नॉट द फर्म. दीज आर बोथ सेपरेट थिंग्स. इट एंड द पार्टनरशिप, इट डज नॉट एंड द फर्म. फर्म कंटिन्यूस, फर्म वैसे ही चलती रहती है, फर्म में कोई चेंज नहीं आता. इट मीन्स ओल्ड एग्रीमेंट एंड्स, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया, न्यू एग्रीमेंट कम्स इन टू इफेक्ट. नया एग्रीमेंट इफेक्ट में आया. जब पुराना एग्रीमेंट खत्म हुआ, नया एग्रीमेंट इफेक्ट में आया, दैट मीन्स इट्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इट इज नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. दीज आर टू सेपरेट थिंग्स. क्लियर? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल. सपोज देर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी. देर आर तीन, यहाँ पे तीन पार्टनर्स है ए बी और सी. उनकी ओल्ड रेशियो है 3-1. ए को तीन हिस्से मिल रहे हैं, बी को दो और सी को एक. किसमें से थ्री शेयर्स मिल रहे हैं? इसको मिल रहा है 3/6,
2 by 6, 1 by 6, because 3 plus 2 plus 1 is equal to 6. Out of 6, A is getting 3. Out of 6, B is getting 2. Out of 6, C is getting 1. ओके बाद में कुछ सालों के बाद दे थॉट लेट्स चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकॉज सी सेड आई एम वर्किंग मोर हार्ड एज कम्पेयर टू यू ऑल सो देयर शुड बी चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे सेड नो प्रॉब्लम वी कैन चेंज तो उन्होंने रेशियो बदल के कर ली 1 to 3 अब ए को हिस्सा मिल रहा है 1 बी को सेम मिल रहा है और सी को शेयर मिल रहा है 3 मिल रहा है ठीक है ना दिस रेशियो इज कॉल्ड न्यू रेशियो तो इसमें दो रेशियोज होते हैं जो पुरानी रेशियो है उसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो और ये जो चेंज करके आती है इसको बोलते हैं न्यू रेशियो ठीक है अब ओल्ड और न्यू में आपने क्या डिफरेंस देखा पहले जहाँ ए को 6 में से 3 हिस्सा मिल रहा था बी को 2 मिल रहे थे सी को 1 मिल रहा था चेंज करने के बाद ए को कम होके मिल गया ए को मिला 1 by 6 बी का तो सेम रहा सी को ज़्यादा मिल गया अब एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है एक पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है वो दिख ही रहा है ठीक है ना जो दो शेयर ए के कम हुए हैं वो कम हो के किसको मिल गए सी को मिल गए ठीक है इसको कम हो रहा है इसका सेम है इसको ज़्यादा मिल रहा है जिस पार्टनर का शेयर कम होता है उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर दैट्स कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिस पार्टनर को पहले से ज़्यादा हिस्सा मिलता है दैट्स कॉल्ड गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुज शेयर डिक्रीजेस गेनिंग पार्टनर हुज शेयर्स इंक्रीजिंग ओके दिस विल हैपन व्हेन पीएसआर विल चेंज जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है राइट आफ्टर दिस इस चैप्टर में आप और क्या कवर करोगे ओके सबसे पहले चीज जो आपने इस चैप्टर में कवर करनी है नंबर 1 कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो सबसे पहले आपने निकालनी है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फर्स्ट टॉपिक सेकेंड टॉपिक का आपने करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सो विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट टॉपिक टुडे दैट्स हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो टॉपिक 1 उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है आपको मैंने पीछे बताया ए इज़ अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड बी इज़ अ गेनिंग सी इज़ अ गेनिंग पार्टनर ए अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके सी को दे रहा है तो कितना दे रहा है जितना वो दे रहा है दैट्स कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग शेयर और जितना वो गेन कर रहा है सी उसको बोलेंगे गेनिंग शेयर व्हेन अ पार्टनर सेक्रीफाइस अ शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट फॉर द अदर पार्टनर इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जब एक पार्टनर अपना हिस्सा दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर देता है मैंने अपना कोई शेयर आपको दे दिया मैंने सेक्रीफाइस किया आपका बढ़ गया ओके और जितना मैंने आपको दिया दैट्स अ जितना मैंने आपको सरेंडर किया अपना शेयर दैट्स अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो समझ आया जितना जैसे ए को पहले कितना मिल रहा था 3 by 6 बाद में उसका कितना मिल रहा है 1 by 6 तो उसने सेक्रीफाइस कितना किया 2 3 में से 2 शेयर उसके चले गए ही इज गिवन टू सी तो जो उसने सेक्रीफाइस किया दैट्स अ सेक्रीफाइसिंग शेयर फॉर एग्जाम्पल में आपने देखा था पहले 3 by 6 था फिर न्यू रेशो 1 by 6 हुई दैट मीन्स 2 by 6 ही इज गिवन टू सी जितना ये सेक्रीफाइस करेगा उतना ये गेन करेगा गेनिंग रेशो एज उसका उल्टा तो उसका फॉर्मूला भी इसका उल्टा हो जाएगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ठीक है बट सम्स निकालने के लिए हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे चाहे सेक्रीफाइसिंग का चाहे गेनिंग का मोस्टली विल बी फॉलोइंग द सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ही करेंगे राइट अब एक और एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ मैं आपको तीन पार्टनर से मैंने पहले बता दिया उनके रेशियो थे 3 to 1 बाद में 1 to 3 हो गई सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकाली ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ए बी सी तीन पार्टनर है ए का ओल्ड शेयर कितना था 3 by 6 बी का ओल्ड शेयर कितना था 2 by 6 सी का ओल्ड शेयर कितना था 1 by 6 न्यू 1 2 3 उसका 1 by 6 2 by 6 3 by 6 अब इसको सॉल्व कर व्हेन वी सॉल्व इट जब इसको सॉल्व किया 3 by 6 minus 1 by 6, it's 2 by 6.
पहले उसका शेयर था 3 ओल्ड, बाद में उसका शेयर हुआ 1. आपको दिख रहा है कम हुआ, 3 से 1 हुआ, क्लियर है? 3 से 1 हुआ तो पॉजिटिव 2/6 आया. जब पॉजिटिव में आया दैट मीन्स ही इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. जिसका आंसर पॉजिटिव में आएगा ही विल बी द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. क्यों? वो मैंने आपको बता दिया है. अगर एक को पहले 6 में से 3 हिस्से मिल रहे थे, बाद में उसे 6 में से 1 मिल रहा है, तो दैट मीन्स हिज शेयर हैज़ बीन लेस एज कम्पेयर टू द प्रीवियस शेयर. तो अब उसके पास उसने 2/6 दे दिया तो ही इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. बी का क्या था? पहले भी उसका 2/6 था, बाद में भी 2/6 है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ही इज इंजॉइंग, राइट? उसके बाद है सी. सी का शेयर पहले 1/6 था, बाद में उसका शेयर हो गया 3/6. पहले 1/6 था, बाद में 3/6 हो गया. ऑफकोर्स दिख रहा है इट हैज़ इंक्रीज, सो इट्स आंसर इज -2/6. तो जब नेगेटिव में आंसर आएगा दैट मीन्स ही इज गेनिंग पार्टनर. दैट मीन्स ही इज गेनिंग पार्टनर. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, जो पॉजिटिव में आंसर आएगा ही इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो नेगेटिव में आंसर आएगा ही विल बी द गेनिंग पार्टनर. ठीक है ना? जब गेनिंग रेशियो निकालोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव उल्टा आएगा, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना. अभी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही करनी है. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर बुक. इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो इज गिवन 1:1. देर आर टू पार्टनर्स, देर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली 1:1. एंड दे टोल्ड द न्यू रेशियो विल बी 4:3. न्यू रेशियो अब होगी 4:3. ओके, लेट्स से फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए बी क्या है? पहली रेशियो 1:1. 1:1 मीन्स 1/2. 1/2 4/7. 4/7 1/2 ओल्ड रेशियो, न्यू 4/7. 4/7 क्लियर है? मैथ सबको आता है, फ्रैक्शन सबने किया हुआ. किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर शुड बी सेम. लेट्स टेक एलसीएम इज 40. 14 डिवाइडेड बाई 2 7. 7 1 सा 7. 14 डिवाइडेड बाई 7 2. 7 2 सा 2 4 सा 8. ठीक है, -1/4. आंसर इज नेगेटिव. व्हेन दिस इज नेगेटिव आंसर दैट मीन्स ही इज अ गेनिंग पार्टनर. ठीक है ना? पहले 7/14 था, फिर 8/14 हो गया. 7 उसका शेयर क्या हो गया? 8 से 14 इक्वल हो गया, शेयर बढ़ गया, नेगेटिव में आंसर आया, ही हैज बिकम द गेनिंग पार्टनर, राइट? बी का पहले शेयर था 1/2, -3/7. डिनोमिनेटर इक्वल किया 14, 7-6. पहले उसका शेयर था 7/14, बाद में हो गया 6/14. 7-6 1/14. पॉजिटिव में आंसर आया, जो पॉजिटिव में आंसर आता है तो ही इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. दैट मीन्स बी अपना 1/14 निकाल के किसको दे रहा है? ए को दे रहा है. उसने अपनी जेब से 1/14 हिस्सा निकाला, 14 में से एक हिस्सा दिया और ए को दे दिया. ओके, सो व्हाट्स द सेक्रीफाइसिंग एंड रेशियो? 1:1 प्रॉपर. ओके, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका खुद सॉल्व करना है, विच विल बी वेरी इजी. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, योर क्वेश्चन इज देर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी. देर आर डिफरेंट केसेस गिवन. ओके, ए बी एंड सी एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:4:1, राइट? केस 1 लिखा है. अब इस क्वेश्चन में व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चन, सो व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:4:1. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दैट मीन्स क्वेश्चन हमें न्यू रेशियो ही नहीं दी है. ये बता दी कि पुरानी रेशियो 5:1 थी, नई रेशियो आप निकालो, फिर सेक्रीफाइसिंग भी निकालो और गेनिंग भी निकालो. जब सेक्रीफाइसिंग निकालोगे गेटिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगी. केस 1 करते हैं. केस 1 में क्या कहते हैं? सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए. सी 1/5 शेयर ए से लेता है. सी को हिस्सा मिल रहा है और कौन दे रहा है? ए दे रहा है. अब इस क्वेश्चन में क्या है एज डिफरेंट टू द प्रीवियस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन में
न्यू रेशियो भी नहीं दी है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चंस में न्यू रेशियो दी थी, अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी नहीं दी है, तो पहले हमारा काम है नई रेशियो निकालो, ठीक है। अब सी, पहले तो जहाँ पे फ्रॉम लिखा होगा, वेयर आवर फ्रॉम विल बी रिटन, इट्स मीन्स माइनस, इसका मतलब क्या है, माइनस करना। सी ए बी सी, ए का शेयर है 5/10, 4/10, 1/10, ओके। एस शेयर इज 5/10, 4/10, 1/10, ठीक है। अब ये इनकी पुरानी रेशियो है, क्वेश्चन में लिखा है कि सी ने अपना 1/5 शेयर ए से लिया, ए ने दिया अपना शेयर, तो उसमें से माइनस हो गया 1/5, बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सी में आके प्लस हो गया, ए ने सी को दिया। डिनोमिनेटर इक्वल करें 10 बना, 5 - 2, इसके पास जब 5/10 में से 1/5 इसने दे दिया, तो ए के पास कितना बचा, 3/10, बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, 4/10, जब 1/5 इसके पास से चला गया, सी के पास आ गया 1/10, ठीक है, तो सी का शेयर कितना हो गया, 3/10। इसका निकाल के और इसको जब मिल गया, तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बन गई, 3/4, 3, 3 + 4 + 3, 10, दैट मीन्स 3/10, 4/10, 3/10, दैट्स द न्यू रेशियो। पीछे क्वेश्चंस में आपको न्यू रेशियो दी हुई थी, इसमें अलग बात क्या है कि इसमें पहले आपने न्यू रेशियो निकाली, न्यू रेशियो निकालने के लिए दे हैव गिवन यू वन हिंट, वो हिंट को यूज़ करके हमने न्यू रेशियो निकाली। उसके बाद उन्होंने कहा कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, आप सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग में से एक निकालोगे, आंसर विल बी सेम, सो वी विल बी यूजिंग ओनली सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एज यू ऑल नो व्हाट वाज द ओल्ड रेशियो, 5/4/1, सबको पता, 5/4/1, एंड द न्यू रेशियो वाज 3/4/3। फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, 5/4/1, 5 + 4 + 1, 10, 5/10, 4/10, 1/10, माइनस 3/10, 4/10, 3/10। जब इसको इसमें से माइनस किया, 2/10 पॉजिटिव, इसका निल, इसका नेगेटिव। अब आप मुझे बताओ हु इज़ अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, यस, जो पॉजिटिव में आ रहा है सेक्रीफाइसिंग, जो नेगेटिव में आ रहा है गेनिंग, ठीक है। दैट मीन्स ए ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करके किसको दिया, सी को दिया, जो क्वेश्चन की शुरुआत में ही बता दिया था कि ए अपना 1/5 निकाल के सी को दे रहा है, दैट मीन्स ए इज सेक्रीफाइसिंग 1/5 एंड सी इज गेनिंग 1/5। सो व्हाट्स योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, एक ही सेक्रीफाइस करा, दूसरा तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहा, पूरा का पूरा शेयर कौन दे रहा है, ए दे रहा है, ओके। सो गेन ऑफ सी इज 1/5 एंड इट्स सेक्रीफाइज्ड ओनली बाय ए 1/5, ओके। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड केस है, सी एक्वायर्स वन फिफ्थ शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब इसमें क्या हिंट दिया है, अब इसमें फिर न्यू रेशियो नहीं दिया है, हिंट क्या दिया है, सी 1/5 शेयर इक्वली ए और बी से ले रहा है। पिछले क्वेश्चन में पूरा का पूरा 1/5 शेयर कौन दे रहा था, ए दे रहा था, इसमें सी इक्वली, द वर्ड इज इक्वली, स्ट्रेस्ड ऑन इक्वली, ए और बी से ले रहा है, ठीक है ना। सी को टोटल शेयर कितना मिल रहा है, 1/5, इक्वली मीन्स दोनों है तो हाफ हाफ देंगे, 5 का हाफ ही करेंगे ना, तभी ढाई ढाई आएगा, हाफ मीन्स 1/2। अब सी को शेयर मिल रहा है 1/5, उसका किया हाफ क्योंकि इक्वल है, ये बना 1/10, 1/10 दे रहा है ए, 1/10 दे रहा है बी। जब 1/10 ए ने दिया प्लस 1/10 बी ने दिया, ये बना 2/10 सी को मिला, काट के बना, ठीक है ना। ये दोनों क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस, और सी क्या कर रहा है,
ये 1/5, ये 1/10 प्लस 1/10, 2/10, 1/5, क्लियर हो गया हाफ ऑफ कैसे निकाला। अब ए कितना दे रहा है 1/10, बी कितना दे रहा है 1/10, उसके शेयर में से निकाल दो। ए बी सी उनकी ओल्ड रेशो क्या है 5/10, 4/10, 1/10। इन्हें कहा बड़े दुखी हृदय से, लो भाई मेरे से 1/10 ले लो। बी ने कहा मेरे से भी लो 1/10, 10-10 डिनोमिनेटर सेम है, नो प्रॉब्लम। इसके पास बचा 4/10, इसके पास बचा 3/10। ओके, अब जब वो 1/10 उसके पास था प्लस 1/5 उसको और मिल गया, ठीक है ना, गॉट मोर गिवन डिनोमिनेटर 10, 1+2, तो उसका शेयर कितना हो गया 3/10। पहले 1/10 था, 3/10 हो गया, तो न्यू रेशो क्या बन गई 4-3-3। व्हाट्स द न्यू रेशो 4-3-3, समझ आया 4-3-3। अब न्यू रेशो भी है, ओल्ड रेशो भी है, लेट्स कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। व्हाट वाज द ओल्ड रेशो 5/10, 4/10, 1/10, सबको पता है, और न्यू मैंने पीछे निकाली है 4/10, 3/10, 3/10, देखनी है एक बार, दैट्स अ न्यू रेशो 4-3-3, दैट्स अ ओल्ड रेशो 5-4-1, ठीक है। 5/10 माइनस 4/10, 4/10 माइनस 1/10, दिस इज द ओल्ड रेशो। न्यू क्या है 4/10, 3/10, 3/10, राइट। अब इसको माइनस करो, कैलकुलेशंस करो इसकी, क्या बना कैलकुलेट करके, 5/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 1/10। पहले उसका शेयर था 5/10, न्यू मिला 4/10, 1/10, न्यू कम हो गया। बी का 4/10 माइनस 3/10, 1/10। सी का 1/10 माइनस 3 का 3/10 माइनस 2/10। अब जो पॉजिटिव में आ रहा है, दे बोथ आर सेक्रीफाइजिंग, जिसका नेगेटिव में आ रहा है इज गेनिंग पार्टनर। ओके, तो सेक्रीफाइजिंग दो पार्टनर कर रहे हैं 1/10 और 1/10, कैसे सेक्रीफाइज कर रहे हैं, इक्वली 1:1, दे आर इक्वल सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज। सो सेक्रीफाइजिंग रेशो आपकी आ गई 1:1, हाफ हाफ, क्लियर। दीज आर द टू केसेस, प्लीज गो थ्रू द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व केस नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। ओके, हैव अ नाइस डे।